आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक बिलारी स्थित मनकुला गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही है। वर्तमान में इस गांव की प्रधान कमला हैं, जिन्होंने अपने गांव में बेहतर तरीके से विकास कार्य कराया है। बात अगर गांव में आने वाले लाभों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा सभी पात्रों को पूरा लाभ मुहैया कराया जाता है। वहीं गांव में शिक्षा का स्तर भी मध्यम दर्जे का ही दिखाई दिया। यहां पे जूनियर हाई स्कूल नदारदी दिखाई दिया तो वहीं प्राइमरी पाठशालाओं में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आए। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में पानी की दिक्कतें ना होने के लिए उन्होंने लगभग 45 हैंडपंप भी लगवाए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से 140 बिजली के पोल व 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए जा चुके हैं। एबीपीएस टीम ने जब ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि वर्तमान प्रधान ने वर्तमान काल में सीसी सड़कों का निर्माण कराया है। इसी के साथ गांव को शौच मुक्त बनाने के उद्देश्य से शौचालयों का निर्माण भी करवा कर पात्रों को वितरित भी किया जा चुका है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा गांव में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था भी कराई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को आवासों का किया जा चुका है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से प्रधान प्रतिनिधि ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में एक अंत्येष्टि स्थल, पानी निकासी की व्यवस्था, बारात घर की मरम्मत, सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी से रूबरू ना होना पड़े। इस गाँव की प्रधान श्रीमती कमला देवी, मैं उनका बेटा सुरेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी कार्य है उनकी देखरेख मैं ही कर रहा हूँ और मैंने अपने गांव में काफ़ी अच्छा विकास कराया है। लगभग 6 सड़कें सीसी टाइल्स की डलवा चुका हूं अब तक और काम भी चल रहा है और सोलर लाइट लगवा दिए लगभग मैंने 20 अपने गांव में, दोनों ग्राम पंचायतों का जो मजरा है उसमें भी और अपने मनकुला में भी, और इलेक्ट्रिक लाइट जो खंभे वाली लाइट है वो भी लगभग 40-50 की संख्या में मैंने लगवा दी है। गाँव में किसी भी तरह की कोई रोशनी की या दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे गांव में एक मेन समस्या है पानी की। पानी की निकासी से संबंधित जो मैं पहले भी अपने अधिकारियों से बता चुका हूं, सचिव साहब से भी बता चुका हूं कि जो तालाब है हमारे गांव का जहां सारे गांव का पानी जाता है, वो तालाब पूरी तरह से कूड़े से अट चुका है और मैं उसकी सफाई के लिए मांग करना चाहता हूँ कि उसकी सफाई हो जाए ताकि गाँव के पानी का जो निकास सही तरीके से हो जाए। जो नालियों में पानी भरा रहता है जिससे गंदगी होती है वो ना हो, मच्छर वगैरह पनपते हैं, बच्चों को काटने बीमारियाँ होती हैं, वो भी उससे खतरा जो है ख़त्म हो जाएगा जब पानी तालाब में जाता रहेगा। तो तालाब आबादी के बीच में आ चुका है, कुछ लोगों ने पाट रखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने अधिकारियों के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जो हमारी ये मांग को स्वीकार किया जाए और तालाब की सफाई हो जाए। अच्छा, ग्राम पंचायत में ये पंचायत घर की स्थिति भी कुछ काफ़ी ख़राब है, लेंटर वगैरह भी उसका ख़राब हो चुका है और हमने उसे काफ़ी कार्य योजना में डाल रखा है कि पंचायत घर की मरम्मत होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ कोई भी हमारे अधिकारी सचिव वगैरह हैं आके बैठें और लोगों की समस्याएं सुने। बाकी गांव की जो समस्याएं हैं धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और गाँव में विकास भी अच्छी तरीके से हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भी एबीपीएस टीम के माध्यम से प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की समीक्षा की और बताया कि वर्तमान प्रधान बेहतर तरीके से कार्य करा रही हैं। ये हमारे माननीय प्रधान गांव के जो हैं वो अच्छा विकास लेकर चल रहे हैं और नालियाँ वगैरह, खरंजे और शौचालय वगैरह में काफ़ी इन्होंने काम कराए हैं और सड़कें भी अच्छी तरीके से कराई हैं और आने वाले समय में भी अच्छा ही काम करेंगे और सही तरीके से ये लोगों को सहयोग देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है।